सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं अशोक राज आहूजा। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई के निर्देश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में रायपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद दुबे के समर्थन में झुग्गी झोपड़ी में जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए जनहित कार्य को बताकर वोट मांग रहे हैं अशोक राज आहूजा। बता दें कि अशोक राज आहूजा अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव के साथ ही और राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाते हैं और वो बिना किसी लाव लश्कर के अकेले ही रायपुर संसदीय क्षेत्र के चार विधानसभा क्षेत्र जिसमें रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम और रायपुर ग्रामीण के झुग्गी झोपड़ी में जाकर दिन रात मतदाताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और मतदाताओं से निवेदन कर रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद दुबे को पहले मतदान करें, फिर शादी विवाह के कार्यक्रम में जाएं। अशोक राज आहूजा की मेहनत कितना रंग लाएगी ये तो समय ही बताएगा। रायपुर संसदीय क्षेत्र से विशेष प्रतिनिधि के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। आप दिख रहे हैं। ऐसा मेरी बात सुनो, अब सुनो भाई, ऐसा है कि उन लोग भी दिखना पहले चाहिए तो आप सब गरीब भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के वोट से इस बार 15 साल का जो भाजपा का शासन है वो गया और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी है जो गरीब की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा था, लेकिन कांग्रेस का सरकार आया है, अब गरीब का सरकार आया है, गरीब का सुनवाई होगा। जो आप लोग की समस्याएं हैं, आप लोग अच्छे जानते हैं कि इस बस्ती को तोड़ने के लिए कितना कोशिश किया गया, लेकिन हमने इस बस्ती को टूटने नहीं दिया। हमने आंदोलन भी किया, हम लोग सब लोग जेल भी गए, गए थे ना, गए थे आप लोग, और ये बस्ती को हमने टूटने नहीं दिया है। और पीने का पानी का बात करें तो ये बोरिंग मेरा कराया है, उधर बोरिंग मेरा कराया है, यहाँ लाइट वाइट लगा के दिया, बोरिंग करा के दिया, और जो पार्षद को मैंने लाया था आपको वोट देने के लिए बोला था, तो रोड रोड नाली वाली यहाँ बना है, पर फिर भी समस्याएं तो रोज होती हैं। तो समस्याएं आपकी, हमारी ये बहन लोग बता रही हैं कि इधर लाइट नहीं है और पीने का पानी का तकलीफ है, और सबसे बड़ा जो तकलीफ है आप लोग का, आप लोग डर के मारे रात को सोते नहीं हो, आप लोग के पास में इस जगह का स्थायी पट्टा नहीं है। अगर स्थायी पट्टा आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग निश्चिंत हो जाओगे। और हाँ, और पट्टा मिलने के बाद में जो सरकार की योजना है, जो 2.5 लाख रुपए मकान को पक्का बनाने के लिए दिया जा रहा है, वो भी पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास में स्थायी पट्टा रहेगा। सही तो बात। अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अभी बिजली बिल आपका आधा आ रहा होगा, है ना? आ रहा है। 2 महीने बिजली बिल हाफ हो गया, और अब पट्टा जो है 31 अक्टूबर तक के जो लोग यहाँ पर 31 अक्टूबर 2017 तक के जो भी जहाँ भी रह रहा है उसको उस जगह का पट्टा अब दिया जाएगा। तो अब भूपेश बघेल जी से बात करेंगे, और जितनी भी बस्तियों में पट्टा नहीं मिला है, जिसमें आपका यहाँ भी जोगी नगर है और संतोषी नगर में भी जोगी नगर है, दोनों जोगी नगर को पट्टा नहीं मिला है, और भी 5-6 बस्ती है, तो दोनों बस्तियों को और जितनी बस्तियां ऐसी 10-12-15 बस्तियां बची है तो उनको पट्टा दिलवाने का काम करेंगे। और अभी क्योंकि चुनाव का समय है,
मैं अब आपके नजदीक में यहाँ रहने आ गया हूँ, कार्ड मेरा सबको मिल गया होगा, अमली डी में रहने आ गया हूँ, यहाँ से पुल चढ़ोगे मेरा घर, और मेरा नंबर आपका कार्ड में है, बुलाओगे तो मैं पुल उतरूंगा आपका घर। तो अब आप लोग की तकलीफ के लिए, आप लोग की समस्या के लिए, आप लोग की हर मुसीबत के लिए मैं आपके पास में आ गया, ठीक है। तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो हम कराएंगे कराएंगे, और मेन काम जो है हमारा, हम पट्टा दिलाने का काम आपको करेंगे। आप लोगों ने इतने साल से मेरे ऊपर भरोसा किया है, और वो भरोसा आपको टूटने नहीं देंगे, और आपको यहाँ स्थाई पट्टा और आपका मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट का लोन है वो दिलवाएंगे। और एक चीज और है, अब आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हो रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। हाँ, हाँ। तो है ना, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए भी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है, सारे बस्ती वालों को एक जगह इकट्ठा करके और मुख्यमंत्री को बुला करके, और आपकी जो जाति प्रमाण पत्र वाली बात है वो मुख्यमंत्री से करेंगे। और भगवान ने चाहा तो इस मामले में भी हमारे जो मुख्यमंत्री है बहुत दयावान है, वो आपकी मांग को जरूर पूरा करेंगे, और हम पूरा करवाने में आप लोग का सबका सहयोग करेंगे, ठीक है। 1988 में सुनते जा भाई, हाँ मैं आप घोषणा करता हूँ, 1988 में झुग्गी झोपड़ी का काम चालू किया, आज हो गया है 31 साल। आपको 1988 के बाद पट्टा मिला 1997 में, मतलब 10 साल के बाद। तो 10 साल आपको बिना पट्टे के यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया, पानी पिलाया, राशन कार्ड बनाया, लाइट लगाया, बोरिंग कराया, 10 साल बिना पट्टे के। अब पट्टे में आप लोग रह रहे हो तो आपको कैसा नेता लगेगा, करते हो ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जब तक हूँ तब तक आपको यहाँ हिलने नहीं। हो गया, और जैसे जैसे बनाएंगे सब, आपको इनके ऊपर भरोसा है तो मेरे ऊपर नहीं, मकान बनाएंगे सब हम लोग, मकान बनाने का आपको पैसा मिलेगा सब, जरूर मिलेगा ना, बिल्कुल मकान बनाएंगे जाएंगे। और नहर कौन जाने दे रहा है आपको, कोई नहीं, जाना होता तो अभी तक चले गए रहते, जिनको जाना था वो चले गए, और जो रह गए वो यही रहेंगे। और आप लोग सुनो एक मिनट, मैं ये बता देता हूँ, सुनो सब लोग, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ना, केवल लोगों को डराते हैं। हाँ, हाँ। मैं कई बस्तियों में घुमा हूँ, जा रहा हूँ, डराते हैं, आप लोग को हटा देंगे, आप लोग को तोड़ देंगे, आप लोग को भगा देंगे, आप लोग डरो और डर के उनकी बात मानो। डर के जीरे तो मेरा कहने का मतलब है, ये आपको डरा रहे, सही बात, और अगर ये डरा रहे हैं तो 15 साल इनकी गवर्नमेंट थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री था, ब्रिज मोहन अग्रवाल 15 साल से विधायक है, श्री चंद सुंदरानी विधायक था यहाँ आपके उत्तर का, क्या करके दिया है 15 साल, डर गए सर, अब क्या को डराने आ रहे हैं, सब डर गए, फिर डर गए, इसीलिए आप चिंता मत करो। और मैं जब कुछ नहीं था तो बीजेपी के कहीं दिखे, मैं जब कुछ नहीं था यहाँ तब भी आता था, आज भी आता हूँ, आगे भी आऊँगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कांग्रेस पार्टी झुग्गी झोपड़ी संघ, भारत माता की, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।